what is the electrical machine syllabus right so first we are going to discuss about the electrical machine syllabus you know the electrical machines power system these two subjects are very very important for electrical engineering examination as well as for your study also in your college days you have studied about these particular subjects but there is a difference between college study and the study for the competitive examinations so to fill the gap between college study and the study for the computer examinations we are here to help you all regarding the mahatransco assistant engineer examination okay so as you can see over here the major part of the electrical engineering is you know electrical machine and in that particular topic particular subject there are major portion of single phase transformers in which we are going to study about the equivalent circuit uh, phasor diagram open circuit and short circuit tests regulations and efficiency right regulations and efficiency are very important parameter in terms of transformer because transformer are basically the isolated device right they are working on the basic principle of mutual induction सो दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पावर इज गोइंग टू बी डिलीवर फ्रॉम वन एंड टू एन अदर ओके सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पावर उसके आगे हम देखते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स में सेम चीजें हम देखने वाले हैं कनेक्शंस वैक्टर ग्रुप्स पैरल ऑपरेशन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन इज नथिंग बट इलेक्ट्रो मैगनेटिक एनर्जी कन्वर्जन आप देखते हैं कि जब करंट का फ्लो है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड फिर मैग्नेटिक फ्लक्स और ये सारे पैरामीटर्स हमें क्या होते हैं स्टडी करने पड़ते हैं राइट सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स उसके बाद हमारे पास क्या जाते आ जाते हैं डीसी मशीन्स आ जाते हैं डीसी मशीन के बाद आप अगर देखेंगे डीसी मशीन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं सेपरेटली एक्साइटेड सीरीज एंड शंट

जो उसका कंस्ट्रक्शन है जो उसका कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन के साथ उसकी वर्किंग है वर्किंग और वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग वर्किंग प्रिंसिपल उससे रिलेटेड जितने फंडामेंटल फॉर्मूले हैं अगर आप महाट्रांसको की बात करेंगे तो यहां पर बहुत हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस मतलब कि जिसमें एक लेंदी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है एक डेटा बेस जिसमें आपको प्रिपेयर करना है ऐसे क्वेश्चंस का वेटेज बहुत कम रहता है सो बेसिकली वी हैव टू 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 प्रिपेयर द द ऑल फंडामेंटल टॉपिक्स रिलेटेड रिलेटेड चैप्टर द सब्जेक्ट एंड ऑल ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल इस पर अभी हम देखेंगे कि एम सी क्यूज किस टाइप के पूछे जाते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर उनका यूज कहां पर होता है जो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं वही पूरा का पूरा बेसिक केस होने वाला है इसके अंदर राइट नेक्स्ट पार्ट इज सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनस मशीन के अंदर आप देखेंगे सिलेंड्रिकल एंड साइलेंट पोल मशीन्स परफॉर्मेंस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेगुलेशन एंड पैरेलल ऑपरेशंस स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में टाइप्स ऑफ लॉसेज एंड एफिसियंसी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स बेसिकली मशीन क्या है अगर मशीन की बात आप करते हैं मशीन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड एक ऐसा सिस्टम जहां पर हमारे पास एक रेगुलेटेड इनपुट और आउटपुट है मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्या वो पर्टिकुलर सिस्टम हमारे पास वो एनर्जी वो आउटपुट डिलीवर करने में कैपेबल है या नहीं इस चीज को चेक करने के लिए जो डिवाइस है वो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन ठीक है तो मशीन के अंदर ये बेसिक फंडामेंटल हमें पढ़ने हैं जिनके लिए आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा फंडामेंटल क्वेश्चन ही हमेशा एग्जाम में हिट किए जाते हैं नेक्स्ट पार्ट इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक सिंगल प्लेस पर पूरे के पूरे चीज़ों को मिले अराउंड टू थाउजेंड एम के साथ सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज उसके लिए यहाँ पर एकेडमी की एक बुक है वो आपके सिलेबस के साथ को पूरा कवर करते हुए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है विथ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो अभी हम कुछ आपको एग्जाम्पल देने वाले हैं कुछ बेसिक समझने वाले हैं किससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक समझने वाले हैं अभी आपके यहाँ पर देखिए ध्यान से बेसिक जो फंडामेंटल समझने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस ओवर द पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए किस टाइप के फंडामेंटल्स पूछे गए उनमें से पहला केस और यहाँ से आपको ये भी समझने में मिलेगा ये भी हेल्प होगी कि हाउ टू स्टडी एनी पर्टिकुलर एम सी क्यू हाउ टू डिकोड एनी पर्टिकुलर एम सी क्यू जैसे हमने बात की ना सिलेबस की डिकोडिंग मीन्स की अगर सिलेबस के अंदर ये लिखा हुआ है एफिसियंसी तो वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क विद द विदिशियंसी पॉइंट एंड अगर उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि रेगुलेशन तो रेगुलेशन की क्या मीनिंग है और क्या फॉर्मूले पूछे गए ओवर द ईयर इन द एग्जामिनेशन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज फॉर हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर अभी अगर आप देखेंगे तो ये चार ऑप्शंस में से हमें ये फाइंड आउट करना मेजर पार्ट ने कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसके साथ जो इन करेक्ट ऑप्शन हैं क्या उनसे कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या दिस इज द मेथड ऑफ टीचिंग ओवर द ईयर सो दैट कि हम एक सिलेबस को हर एक टॉपिक को एक प्रॉपर वे में ब्रेक कर सकें और जब आप एक सिलेबस को एक क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर केस आपको एग्जाम को भी ब्रेक करने में क्रैक करने में हेल्प मिलेगी राइट ओके सो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एक चार्ट शेयर किया है हमने कि कौन से टाइप की मोटर किसके एप्लीकेशन में यूज हो जाती है राइट अब ध्यान से देखिए जब स्प्लिट फेज मोटर की बात करेंगे तो वो कहाँ पे स्मॉल ड्रिल प्रोसेस में यहाँ पर आप प्रोसेस कर सकते हैं शॉप ग्राइंडर्स स्मॉल बेल्ट ड्रिवेन कन्वेयर वॉशिंग मशीन डीसी सीरीज मोटर की बात करेंगे ट्रैक्शन सिस्टम क्रेन्स एयर कंप्रेशर डीसी सेंट मोटर की बात करेंगे तो लेथ मशीन सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल पंप ब्लोवर्स कन्वेयर्स, वीविंग मशीन स्पिनिंग मशीन कंपाउंडेड मोटर कहां यूज की जाती है प्रेसेस, शेयर्स, इलेवेटर्स रोलिंग मिल्स ठीक है इसके बाद देखिए ध्यान से कंप्रेसर्स, कन्वेयर्स रेफ्रिजरेटर्स ठीक है रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर सीलिंग फैंस फिर उसके बाद आप देखिए ध्यान से हेयर ड्रायर्स टॉयज रिकॉर्ड प्लेयर्स स्मॉल फैंस इसके अंदर क्या यूज किए जाते हैं शेडेड पोल मोटर्स एसी सीरीज मोटर कहां पर टेबल फैंस फूड मिक्सर्स वैक्यूम क्लीनर मशीन किचन प्रिंटिंग इक्विपमेंट्स स्मॉल रोबोटिक्स मशीनिंग एंड यहाँ पर स्टेपर मोटर यूज की जाती है ठीक है ना तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर तो यहां पर क्या जाएगा सिंगल फेज किसमें आ जाता है ये सिंगल फेज की बात करते हैं किस में आता है ये सिंगल फेज राइट सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन समझना है हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन हाउ टू डिकोड द आंसर आल्सो नॉट ओनली क्वेश्चंस ओके नेक्स्ट पार्ट प्लीज कंसंट्रेट ओवर यर एन अल्टरनेटर इज सेट टू बी ओवर एक्साइटेड इज सेट टू बी

यहां पर आप देखेंगे जब पावर फैक्टर की हम बात कर रहे हैं पावर फैक्टर निगेटिव पावर फैक्टर देखिए ध्यान से जब भी हम बात करते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है पावर फैक्टर होता है, क्या होता है? अल्टरनेटर को अगर आपने ओवर एक्साइटेड कर दिया ओवर एक्साइटमेंट में उसका पावर फैक्टर क्या हो जाता है लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है क्या हो जाता है लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है ओवर एक्साइटेड के केस में उसका पावर फैक्टर कैसा रहता है इट विल बी लैगिंग पावर फैक्टर सो लैगिंग पावर फैक्टर के केस के लिए अब यूनिटी पावर फैक्टर के के केस लिए कॉस फाइव की वैल्यू आपको वन लिखनी पड़ती है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए अब ध्यान से देखिए लैगिंग पावर फैक्टर कभी भी होगा तो लैगिंग पावर फैक्टर में हमारा लोड कैसा हो जाता है हमारा लोड हो जाता है इंडक्टिव लोड कैसा हो जाता है इंडक्टिव पावर फैक्टर लैग करने लगा लीडिंग के केस में हमारा लोड किस टाइप का रहता है लीडिंग के केस में हमारा लोड होता है कैपेसिटी राइट right? इस चीज को समझना है यूनिटी पावर फैक्टर कहाँ पर रजिस्टर में यूनिटी पावर फैक्टर कहाँ पर रजिस्टर में जो हमारे बेसिक्स है नेक्स्ट पार्ट देखिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड बिल्ड रेक्टिफायर फ्रॉम अ सेंटर तो कितना लगने वाला है यहां पर नंबर ऑफ डाय पूरे ट्रांसफॉर्मर के जो पैरामीटर होते हैं वो हमने शेयर किया है कि आपको उससे रिलेटेड एक साथ डेटा मिले देखिए वैल्यू क्या होती है आई एम बाई टू

RMS current कितनी by root two. और peak inverse voltage के केस में में क्या क्या हो जाता है? Two VM. क्या हो जाता जाता है two VM. Correct है है right? अभी हमने आपको और शेयर किया हुआ ट्रांसफॉर्मर अंडर गो रेगुलर क्या चेक करना है हमें ट्रांसफॉर्मर के अंदर मंथली बेसिस पर वीकली बेसिस पर या जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट ये रेगुलर मेंटेनेंस का वर्क नहीं है कंडक्शन करंट से ही रिलेटेड है रेगुलर मेंटेनेंस का वर्क नहीं है ट्रांसफार्मर रस्टिंग भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो हमें क्या चेक करना है हमें चेक करना है ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन उसकी ऑयलिंग ठीक है आई बात समझ में ट्रांसफार्मर का क्या चेक करना होता है हमें इंसुलेशन ठीक है बेसिक क्वेश्चंस जो हैं इलेक्ट्रिकल मशीन से क्योंकि हमें जब तक फंडामेंटल क्लैरिटी नहीं रहेगी सब्जेक्ट की टॉपिक की तब तक कुछ भी करना मुश्किल है आर यू गेटिंग दिस पॉइंट आई थिंक आपको अच्छा लग रहा है समझ में रहे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं आपको यह कि जो भी विजिबिलिटी है ये ये है कि व्हाट टाइप ऑफ मेथड एंड व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग वी आर यूजिंग एंड हाउ यू शुड अप्रोच फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन अ पर्टिकुलर टॉपिक राइट सो प्लीज कीप कंसंट्रेटेड ओवर हियर ओके मैक्सिमम टॉर्क ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन इज देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम टॉर्क कहां पे गया r21 मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज बिल्कुल नहीं आप देखिए अगर आप मैक्सिमम टॉर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एंड टू एक्स ये सप्लाई वोल्टेज है यहाँ पर ठीक है ना इसलिए देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है सप्लाई वोल्टेज एंड मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस रोटर रिएक्टेंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस गलत एक्स यूज किया ना एक्स ध्यान से देखिए जरा तीन टर्म आपने पढ़े होंगे आर एक्स और जेड आर क्या है आर है रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर जो अपोजिशन है करंट के अगेंस्ट उसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस या रेजिस्टर एक्स क्या है एक्स को हम बोलते हैं एक्स को बोलते हैं रिएक्टेंस एक्स को क्या बोलते हैं रिएक्टेंस तो रिएक्टेंस का मतलब क्या हुआ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट्स जो अपोजिशन ऑफर कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंस जैसे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट कौन से हुए इंडक्टर हो गए और कैपेसिटर हो गए वो जो रेजिस्टेंस मतलब उनका जो अपोजिशन है अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ द करंट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द करंट वहां पर जो अपोजिशन है उसको हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंस अब उसके बाद आता है जेड जेड क्या है जेड बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस जेड क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस ठीक है समझ रहे होंगे वेरी गुड देखिए ध्यान से टर्न रेशियो ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर विदाउट कनेक्टिविटी लोड और इनपुट की बात हम करते हैं ना यहां पर तो उनके बीच में टर्न रेशियो क्या होता है one is to one का होता है। टर्न रेशियो क्या होता है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर का फंडामेंटल आपको समझ। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ? कि करंट का फ्लो ना हो डायरेक्टली सप्लाई वोल्टेज वहां पे कनेक्शन नहीं है ऐसे टाइप के ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलेंगे आइसोलेशन आइसोलेशन और इंसुलेशन इन दोनों में डिफरेंस है ठीक है ना इस चीज का हमें ध्यान रखना है देखिए टू अल्टरनेटर्स रनिंग इन पैरेलल नाउ इफ दी एक्साइटेशन ऑफ द वन ऑफ द अल्टर इज चेंज देन क्या देखेंगे ध्यान से अगर आप देखिए दो अल्टरनेटर पैरेलल में रन कर रहे हैं ठीक है कि नहीं नाउ इफ वी इफ द एक्साइटेशन ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेटर्स इज चेंजेड तो सेकंड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ठीक है ना इस चीज को हमें देखना है इस क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्या फ्रीक्वेंसी विल चेंज पावर फैक्टर विल चेंज स्पीड विल रिड्यूस लोड डिमांड विल चेंज सारे चीजों को चेक करना है देखिए अभी क्या आता है आंसर आंसर अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेटर्स का कनेक्शन है ठीक है पैरेलल कनेक्शन की बात हो रही है राइट right? फिर एक्साइटेशन ऑफ ऑफ वन द चेंजेस ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से, जब एक टाइप का एक्साइटेशन आप चेंज करते हैं एक साइड का एक्साइटेशन आप चेंज करते हैं तो ध्यान से देखेंगे उसमें क्या चेंज हो जाएगा पावर फैक्टर विल चेंजेस।

it will change the operating it will change the operating power factor it will change the operating power factor clear okay next is in series winding is connected in series with the armature and then the slant winding is put in parallel to the combination such a combination will form which kind of generator देखिए ध्यान से इसके लिए इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है क्या हम डायरेक्ट इस चीज को समझ सकते हैं उसके लिए देखिए शॉर्टकट मेथड को ध्यान में रखते हमने आपको यहाँ पर एक चार्ट शेयर किया हुआ देख लीजिए ध्यान से ये चार्ट क्या बता देखो टाइप ऑफ डीसी मशीन ये सर्किट डायग्राम देखिए यहाँ पर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर डीसी संट जनरेटर डीसी सीरीज जनरेटर डीसी डीसीट कंपाउंड जनरेटर मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों का केस डीसी लॉन्ग कंपाउंड जनरेटर उसका आपको बेसिक कनेक्शन यहां पर दिख रहा है डीसी लॉन्ग कंपाउंड जनरेटर, ठीक है कि नहीं अब यहां पर इन्होंने क्या पूछा है अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि इन सीरीज वाइंड इफ सीरीज वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज ठीक है इफ सीरीज वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर एंड देन द शंट वाइंडिंग इज पुट इन पैरेलल टू द कॉम्बिनेशन तो कौन सा हमारे पास ये जनरेटर बन जाएगा देखिए अब अगर आप देखिए आपने पूरा डिटेल देखा होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो केस ये बता रहे हैं जनरेटर का उसके लिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहां पर मिलेगा आपको लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन को किसके साथ पैरेलल के साथ तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका डायरेक्ट आंसर डी या लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर ठीक है सो so, ये सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ी हैं वो हमने देखी हैं आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और एक मेथड और एक जो चीज़ें हमें ये देखनी है कि किस टाइप का एक्सप्लेनेशन आपको रिक्वायर्ड है किस टाइप का एक्सप्लेनेशन एग्ज़ाम को समझने के लिए रिक्वायर्ड है और किस टाइप की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेसिक बातें है जो ध्यान में रखनी है एग्जाम का लेवल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही प्रैक्टिस तीन फैक्टर्स जो ये हैं वही आपके सिलेक्शन को एक लेवल तक ले जा सकते हैं ठीक है मतलब क्या कि जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन से जो आप अगर ई का पेपर दे रहे होंगे तो वहां पर भी पूछा जाता है गेट का दे रहे होंगे तो भी पूछा जाएगा ट्रांसको का देने जा रहे हैं या किसी स्टेट में हैं आप इस उस स्टेट के जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देने जा रहे हैं उस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का देने जा रहे हैं उन सभी केसेस के अंदर ये पर्टिकुलर सिलेबस ये पर्टिकुलर टॉपिक्स रहते हैं बट वेन एवर यू विल सी द क्वेश्चन पेपर यू विल सी अ डिफरेंस कि ई के पेपर का जो इलेक्ट्रिकल मशीन आने वाला क्वेश्चन है गेट में जो आने वाला क्वेश्चन है जेई में जो आने वाला क्वेश्चन है और ए में आने वाला जो क्वेश्चन है उनके बारे में अगर आप देखेंगे तो वहां पर इसके जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है और उनके क्वेश्चंस का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है और उसी डिफरेंस को आप तक समझ में आए दैट्स वी आर एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स ओवर हियर, ओके सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव इट, द सिलेबस एंड द टीचिंग पैटर्न एज वेल एज द पैटर्न ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट ओके So, after that, hope you have enjoyed the session. Thank you very much.